इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा। ये रोना धोना बंद करो, ये बहाना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं घर को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे किसी ना किसी घर को छोड़कर ही तो आयो तुम यहां पर। बताओ आपसे ज्यादा कौन अच्छे से बता पाएगा। जिस घर में आप बचपन में रहते थे, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, कोई कहता था तुम्हारा घर नहीं है, तुम लड़ने लगते थे, रोने लगते थे कि नहीं हमारा ही घर है, ये तो हमारा ही घर है, मेरा ही घर है, मेरा घर है, ऐसे करते थे बचपन में छोटों में कि नहीं ये तो हमारा घर है। अब माँ से कोई लड़ाई हो जाती कि हम भी तो, हमारा भी तो घर है ये, क्या ये हमारा घर नहीं, क्या ऐसे करके लड़ाई करते थे। लेकिन जब शादी हो गई उस घर को छोड़ना पड़ा कि नहीं पड़ना। अभी तक वो घर तुम्हारा था, अब दूसरा घर तुम्हारा हो गया। अब लड़ाई होती है तो यहां कहते हो ये घर मेरा है, वो घर मेरा नहीं है। अभी तक जिस घर को अपना कहते थे, अब कहते वो घर हमारा नहीं है, हमारा तो ये घर है। मेरा घर तो मेरा ससुराल है, अब क्या बोलते हो। अब अपने घर को मायके को अपना घर बोलते हो क्या। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई थी मायके का घर ही आपको अपना घर लगता था, उसके लिए लड़ ले लेते, झगड़ लेते थे। जब वो घर छूट गया तो ससुराल का घर अपना, अब उसके लिए लड़ते हो झगड़ते। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत् कुरते रतिम, जो जहां रहने लगता है उसको वहीं रति हो जाती है। इसलिए ये भाना, ये कहना बंद करो कि हम छोड़ नहीं सकते, हमारे बिना कोई नहीं रह सकता। अरे कितनों को छोड़कर आए, कितनों को रुलाकर आए, और यहां पर बात कर रहे हो कि हम किसी को छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़कर आए हो वो भी तुम्हारी माँ थी, बहन था, भाई था, उस पर्याय में भी आप ऐसे ही रोते थे, बिलखते थे उसके लिए, और उसको छोड़कर इस पर्याय में आ गए, उस पर्याय की याद भी नहीं कर रहे। आज भी तुम्हारे वियोग में, तुम भले इतने बड़े यहां पर हो गए, किसी पर्याय को छोड़कर आया, वो पर्याय आज भी यदि वहां पर वो लोग जीवित हैं, वो भी तुम्हारे फोटो के फूलमाला चढ़ाकर हर वर्ष में जब जिस दिन तुम मरे होगे रोते होंगे आदमी। तुम्हें भले याद नहीं है सुनील कि तुम कहां से आए हो, लेकिन यदि तुम किसी मनुष्य पर्याय से आए होगे, वो वहां अभी भी तुम्हारी उस पर्याय की, जिस पर आप वहाँ फोटो टंगी होगी, जब भी तुम्हारा पुण्य स्मृति आती होगी तो लोग आंसू बहाते होंगे, हम उस व्यक्ति चला गया हमको छोड़कर, तुम तो यहाँ पर मस्त हो। आज भी तुम्हारे यहाँ तुम्हारे दादा की फोटो टंगी कि नहीं टंगी, दादा की फोटो है कि नहीं है, पिताजी की फोटो है कि नहीं है, पिताजी जाए कितने वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो गए, 20 साल हो गए ना, तो जहां भी पैदा हुए 20 साल के हो गए होंगे, नहीं हो गए वहां पे, जहां भी वो पैदा हुए होंगे वहां 20 साल के हो गए नहीं हो गए। तुम यहां पर मरण का आंसू बहा रहे हो, वे वहां पर जन्म की खुशी मना रहे हो। एक ही दिन में मरण के आंसू जन्म की खुशी चल रहे, मतलब एक व्यक्ति आज वहां पर, उनको जो 20 साल में व्यक्ति हो गए उसको याद है कि मेरे लिए आज भी व्यक्ति रो रहा है। आज जब भी तुम्हारे पिता कैलाश चंद जी की, कैलाश चंद जी नाम था ना, जब पुण्य स्मृति आती है तो तुमको याद आती है, आंख से दो आंसू झलक जाते हैं कि पिताजी का आज के दिन देहांत हो गया था। लेकिन जो 20 वर्ष वहां पर दूसरी पर्याय में जिसने जन्म ले लिया, उसे दुख हो रहा है कि मेरे दुख में कोई आज भी रो रहा है, कि मेरे दुख में आज भी, तो आपके दुख में आज भी कोई रो रहा है, लेकिन तुमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन जब थे वहां कोई कहता था छोड़ दो, नहीं हमारे बिना कैसे होगा, हमारे बिना कैसे होगा, दीपक बुझ गया। इसलिए आचार्य बहन का एक रो रहा है, एक हंस रहा है, ये वस्तु व्यवस्था का परिणाम है। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, यहां से गई दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, बदलती रहती है। परिवर्तन तो होता है, पर्याय का फिर तो चलता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। जिसने इस बात को समझ लिया वो कभी ये नहीं कहेगा ये वस्तु मुझसे छूट ना जाए। अरे छूट कर जाएगी क्या,
मेरे पास थी, दूसरे के पास रहेगी। वस्तु तो वस्तु है, वो कभी नष्ट होगी कहाँ, वो तो बदलेगी नहीं, परिवर्तन होती रहेगी लेकिन नष्ट कभी नहीं होगी। मिट्टी का पिंड मिटे बिना घट बनेगा कैसे, और घट बने बिना मिट्टी का पिंड मिटेगा कैसे। मिट्टी का पिंड मिटे ना तो घट बने कैसे, घट ना बने तो मिट्टी का पिंड मिटे कैसे। मिट्टी मिटी घट बना, मिट्टी मिटी घट बना, घट बना मिट्टी मिटी, फिर भी मिट्टी ना मिटी। मिट्टी मिटी घट बना, घट बना मिट्टी मिटी, फिर भी मिट्टी ना मिटी। यदि मिट्टी मिट जाती तो घट बनता किसमें। आया कोई समझ में, आ रहा है समझ में, इतना तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ समझ में आ रहा है। मिट्टी मिटी, मिट्टी नहीं मिटती तो घट नहीं बनता। मिट्टी का जो आकार था, सामान मिट्टी थी, यदि उसको गलाते नहीं, उसको लौंदा नहीं बनाते, उसको चाक पे नहीं रखते तो उसका आकार चेंज नहीं करते, वैसी आकार रहता, वैसी कठोरता रहती तो कभी घट बनते नहीं। तो अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ती, पुराने आकार को नहीं छोड़ती, पुराने अपने कंकड़ पत्थरों को नहीं छोड़ती तो क्या घट बन सकती थी। उसने अपने अंदर के कंकड़ पत्थरों को बाहर निकाला, अपने कठोर स्वभाव को बाहर निकाला, नरम हुई, तब जाके वो घट बनी। तो मिट्टी ना मिट्टी, मिट्टी मिनी। आप यदि यही मनुष्य बने रहोगे तो फिर कभी आप भगवान बन ही नहीं पाओगे। यदि आप सदैव मनुष्य बने रहोगे तो कभी भगवान बन पाओगे क्या। भगवान बनना है तो मनुष्य पर्याय को तो छोड़ना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय को मिटाएंगे तभी तो भगवान पर्याय को प्रकट करेंगे, सिद्ध पर्याय को प्रकट करेंगे, या जो भी पर्याय प्रकट करना है तो पहले मनुष्य पर्याय को मिटाना पड़ेगा। तो मनुष्य मिटा, भगवान बना। मनुष्य मिटा, भगवान बना। मिट्टी मिटी घट बनी, भगवान बना। मनुष्य पर्याय मिटी, घट बना, मिट्टी पर्याय मिटी, तब भी मिट्टी ना मिटी, तब भी वो आत्मा वही रही, वो आत्मा नष्ट नहीं हुई। जो मनुष्य पर्याय में आत्मा थी वही आत्मा सिद्ध पर्याय में है। जो मिट्टी के परमाणु मिट्टी रूप में थे वही मिट्टी की परमाणु घट रूप में है। उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, तब भी द्रव्य रही। मिट्टी उत्पन्न हुई, मिट्टी नष्ट हुई, तब भी मिट्टी द्रव्य रही। पर्याय नष्ट हुई, पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य द्रव्य रहा। यही वस्तु व्यवस्था है। हम यहां से नसेंगे, नष्ट होंगे, दूसरी जगह उत्पन्न होंगे, पर मैं वही द्रव्य हूं। राग उत्पन्न हुआ था, राग नष्ट होगा। द्वेष उत्पन्न हुआ था, द्वेष नष्ट होगा, लेकिन मैं वही हूं। इस राग द्वेष के बीच में जो मैंने कर्म का अर्जन किया उसका फल मैं भोगूंगा, क्योंकि मैं वही हूं। क्यों भोगूंगा मैं फल, क्योंकि मैं चार भाग नहीं हूं। मैं चार भाग नहीं जो पांच भूतों से शरीर की रचना मानता हूं। मैं चार भाग नहीं हूं जो पंच भूतों से शरीर की रचना मानता हो। मैं जैन हूं, मैं आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को स्वीकार करता हूं। जो चार भाग है वो मानता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे मिलकर पांच तत्वों से मिलकर शरीर निर्माण होता है, और इस शरीर में एक चेतन शक्ति उत्पन्न होती है। जब ये शरीर की मयाद पूरी होती है, ये शरीर के परमाणु पांचों जगह बिखर जाते हैं, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। इसलिए ना तो पुण्य मिलता, ना पाप मिलता, ना स्वर्ग है, ना मोक्ष है। ये चार भाग मत का सिद्धांत है। हम चार भाग नहीं है, हम जैन हैं जो आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ, और मैं मनन भविष्य में भी रहूँगा। जब भूत में था, वर्तमान में हूँ, तो भविष्य भी रहूँगा,
तो जब मैं जो भी अच्छा बुरा करूंगा इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। आपने कर्ज लिया है, लोन ब्याज पे पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है, आप चाहे डिब्रूगढ़ में रहो चाहे कहीं भी रहो, आपको उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। छोड़कर भी चले जाओगे कहीं और जगह जाके, आप जब अपना बैंक खाता खुलवाओगे आधार कार्ड, तो दिख जाएगा कि आपने कितना लोन लेके रखा है, आप डिफाल्टर तो नहीं हो। यदि हो तो वो बैंक कहेगी पहले आप ये पेमेंट पूरा भरो, अपनी क्रेडिट सही करो पहले, अपनी सीआर सही करो। जब तक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट सही नहीं आएगी तब तक अकाउंट नहीं खुल सकता। आगे का लोन अब आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके आधार कार्ड से लिंक है आपका लोन, उस पर रेड लाइन लग चुकी है कि आप डिफाल्टर हैं, आप दिवालिया हैं। जो एक बार दिवालिया हो जाता ना उसको कहीं भी फिर लोन नहीं मिलता, उसको कहीं भी किसी बैंक से नहीं मिलता, क्योंकि जब भी वो आधार कार्ड लिंक करेगा उसका पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी, दिख जाएगी इस बैंक से इतना लोन लेके खा के भागा है, कौन अपना लोन खा लाएगा। जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक आपकी क्रेडिट नहीं है, ना तो आपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा ना कोई लोन मिलेगा। हो सका तो आगे बैंक में अकाउंट भी ना खोले, कोई सरकारी सुविधाएं भी ना मिले, सब प्रकार से बंद हो जाए क्योंकि आप डिफाल्टर हैं। पहले इसको सही करो तब जाके आगे फिर, तो जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसी इस आत्मा को जो कर्म यहाँ किया है यहाँ भोगो, यहाँ नहीं भोग पाए तो जिस पर्याय में पहुँचोगे उस पर्याय में भोगोगे। मिट्टी मिट्टी घट बना, घट बिना घट बने बिना पिंड मिटेगा कैसे, बिना नष्ट हुए उत्पन्न हुआ कैसे, बिना उत्पन्न हुए नष्ट हुआ कैसे, कितनों को रुलाया कितनों को हंसाया, पर ज्ञानी तुम जो है सो है। कितने को हंसा के आ गया तक सुनील, पिछली पर्याय उसके पहले की पर्याय उससे पहले की पर्याय उससे पहले की पर्याय, तो हर पर्याय में तुम किसी ना किसी को छोड़ के आ ही रहे हो ना, और हमें यही कहते हो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हर पर्याय में यही बोलते होगे हम घर नहीं छोड़ सकते, हम परिवार नहीं छोड़ सकते, हम मित्र इष्टजनों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन छोड़कर आ रहे हो कि नहीं आ रहे। जैसे उन्हें छोड़कर वे छोड़कर आ रहे हो, तुम्हारे जरूरत से छूट रहे हैं तुमसे, तुम चाहो तो पकड़े पकड़ रहते लेकिन पकड़ के नहीं रख पाए, छोड़कर आना पड़ा। वो अबुद्धिपूर्वक छोड़े, लेकिन अब बुद्धिपूर्वक छोड़ दो। अबुद्धिपूर्वक छोड़ रहे हो इसलिए बार बार तुम्हें रोना पड़ रहा है, अबुद्धिपूर्वक छूट रहा है इसलिए बार बार रोना पड़ रहा है। बुद्धिपूर्वक छोड़ना प्रारंभ कर दो तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें रोना ही नहीं पड़ेगा, ना तुम रोगे ना किसी को रुलाओगे, ना तो फिर तुम कभी रोगे ना फिर तुम किसी को रुलाओगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक छोड़ना प्रारंभ करो, अब इस पर्याय में अपना कल्याण करो। क्या ही है भागचंद जी, कितना और जीना है। अभी भी कभी भाव नहीं आता चलो अब तो संयम के मार्ग पर बढ़े आगे, छोड़ते हैं। जय कुमार जी बड़े धर्मात्मा, कोरोना काल में भी तुम सबसे अकेले पूरी किट पहन के हाय कराने आते थे माता जी को, याद है तुमको क्या नहीं है क्या आते थे क्या बिंदेश्वरी माता जी को? अब सोचो कितने धर्मात्मा हो, अपने प्राणों की चिंता नहीं थी तुमको। इतने धर्मात्मा होने के बाद भी आपको भाव नहीं आता अब तो अपना कल्याण करो, हो गया बहुत कमा लिया कर लिया, किसके लिए करना था, संतान के लिए सबके लिए, सबके लिए इतना कर लिया, अब तो एक पर्याय में कुछ वर्ष ही तो बचे हैं, इस पर्याय में कितने वर्ष बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10। निर्मल जी को देख लिया करो, कभी निर्मल जी दौड़ते थे भागते थे, आज दौड़ नहीं पा रहे भाग नहीं पा रहे, एक सहारा ले लेके पकड़ पकड़ के चलते हैं। अब इस पर्याय में अपना कल्याण करना भी चाहें अब नहीं कर सकते, अब तो चार लोगों की सुनने ही मिलता है, क्यों निर्मल ऐसा नहीं करा तुमने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया,
और यही सचेत हो जाते, ये पर्याय का परिणमन होने से पहले यदि अपनी आत्मा की सुरक्षा कर लेते तो आज अपना कल्याण कर चुके होते। इसलिए जितने वृद्ध हो चुके हैं, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ कब शरीर आपका खराब हो जाए। आप सोच रहे थे बेटा रखेगा बेटी रखेगी परिवार रखेगा, जिस दिन खराब शरीर खराब हो जाएगा ना, विश्वास रखना सबकी नज़रें बदल जाएंगी, दृष्टियां बदल जाएंगी। इसलिए समय रहते अपने लिए कर लो, बहुत कर लिया पर के लिए, बहुत मेहनत कर ली माताओं, बहुत मेहनत कर ली पर के लिए, बेटों के लिए दिन रात एक करके आंखें फोड़ ली, सब उनके लिए उनके राग में सब कुछ कर लिया, बेटा बहू शादी सब कुछ कर लिया। अब तो एक पर है अपने लिए तो रखो, थोड़ा सा समय अपने लिए रख लो, बस थोड़ा सा। कि अब बच्चे खुचे जितने भी वर्ष हैं, 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष, वो भी पक्का नहीं है कि नहीं है, वो भी पक्का नहीं कि हम स्वस्थ रहें नहीं रहें, किसी भी समय लकवा लग सकता है, किसी समय पैरालिसिस हो सकता है, किसी भी समय हमको आना बीपी बढ़ सकता है, किसी भी समय हमको हार्ट अटैक का स्ट्रोक आ सकता है, अब तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी भरोसा नहीं है कब क्या होगा तुम्हारे साथ। इस पर्याय को अब तो पूरा निचड़ा हुआ नींबू है, अब तो फिर भी निचड़े हुए नींबू को भी फिर भी ठीक है, निचाड़ दिया लेकिन अभी भी रख लो, पानी में मिल ऐसे भी करोगे थोड़ा बहुत अभी भी स्वाद आ ही जाएगा। पूरा रस घर वालों ने निकाल के फेंक भी दिया है, फिर भी चिंता नहीं करो, उस नींबू को फिर भी अभी तुम पानी में डालोगे तो थोड़ा खट्टापन तो फिर भी पानी भी हो ही जाएगा। अभी भी मौका है सूखने से पहले, सूख गया ना और सूख के पपटी फिर काम का नहीं है वो, जब तक हरा है ऐसे नीचे के पड़ा हुआ है, अभी हरा नींबू पड़ा हुआ है, अभी भी मौका है, अभी भी थोड़ा पानी में डल गया तो अभी भी खट्टा कर ही देगा पानी को, लेकिन पूरा धूप में सूख गया फिर उसके बाद तुम खट्टा करना चाहो अब तो लकड़ी पत्थर बन गया, अब कुछ नहीं होने वाला। अभी भी जो पर्याय बची है समझ जाओ सोच लो, मत रहो बच्चों के राग में, मत आओ किसी के राग में, अभी भी अपना कल्याण कर लो, विश्वास मानो बस यही साथ है। अभी आपको समझा रहे हैं, फिर तो कोई समझाने वाला भी नहीं मिलने वाला, फिर तो कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा, इसलिए समझ जाओ। सुरेंद्र जी 10 उपवास करके शरीर को सुखा लिया, अब आत्मा के कल्याण को कर। किसका राग, किसका राग छोड़ो, वो जो भी जब भी छूटेगा ना, प्लानिंग से नहीं छूटेगा, झटके से छूटेगा। जब भी छूटेगा ना कोई भी चीज, कोई चीज़ आपको छुड़वाना पड़ती ना, चिपचिपी चीज होती ना, चिपचिपी चीज नाक का मल होता है चिपचिपा, आप जब निकालते हो तो हाथ से चिपक जाता है, चिपक जाता है तो आप ऐसा छुड़ाते हो नहीं, सामान से ऐसे नहीं छुड़ा, जब आप झटके से छुड़ाते हो क्योंकि इतना चिपचिपा है, इतना चिपचिपा है। हर वस्तु से, हर वस्तु में आपको ज्ञान ढूंढना चाहिए, वो मुँह की खकार नाक का मल जमीन पे गिर जाए आप उसे सामान पानी फेंको छूटते ही नहीं है, छूटते ही नहीं है। जब प्रेशर से आप देते हो तब जाके छूटता है, अथवा हाथ पे चिपका झटके से आप छुड़काते हो तब जाके छूटता है। इसलिए भैया झटके से छुड़ाना पड़ेगा। यदि कल्याण करना चाहते हो तो जय कुमार जी हम त्रैकालिक हैं, ये तात्कालिक संबंधों के राग में अपनी त्रैकालिक भगवान आत्मा को मत भूल जाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा।